अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। नो बेक चॉकलेट केक है, बहुत ही आसान सा, झटपट तैयार होने वाला। और आज हम एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनाएंगे, चीज़ी रीथ बनाएंगे। एक रिंग शेप में हम आज अंदर फिलिंग के साथ डबल रोटी बनाएंगे, जो आप खा सकते हैं एक डिप के साथ भी, ठीक है। और दो इकसाम के मैं पेस्टो बनाना आपको सिखाऊंगी, सो उस रेसिपी पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, इसको सेट होने में एटलीस्ट एक दिन लगेगा, तो मैं कल पीसेस में काट के आपको दिखाऊंगी। चॉकलेट है मेरे पास यहाँ 8 ounces जितनी, चॉप करके लीजिएगा। उसमें आप एक चमचा भर के कॉफ़ी का पाउडर डाल दीजिएगा, ठीक है जी। फिर आप इसमें डालिएगा एकदम थोड़ा सा चुटकी भर जितना नमक, ये भी चुटकी भर या क्वार्टर टीस्पून जितना पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर है, ऑल स्पाइस पाउडर, ठीक है। यू हर्ड राइट, गरम मसाला पाउडर ही है। अच्छा जी, और हम इसमें डालेंगे क्रीम। सो बेसिकली ये गनाश टाइप है, जो आप बस सेट कर देंगे और इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर और गरम मसाले का फ्लेवर होगा। फिर कल इसको आप कोको पाउडर के साथ डस्ट करके सर्व करिए। कितना आसान है, कोई बेकिंग इन्वॉल्व भी नहीं है, बस चूल्हे पे बना लीजिए। और चूल्हा नहीं है अभी, गैस का मसला है, तो माइक्रो में बना लीजिए, ठीक है। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करिए। कैसे हम इसको सेट करेंगे, एक बर्तन ले लीजिए या लोफ टिन ले लीजिए, उसमें आप क्लिंग लगा दीजिए इस तरह, ताकि इस तरह की क्लिंग होगी तो आसानी से आप इसको उल्टा करेंगे और पील ऑफ कर देंगे क्लिंग को, तो ये निकल आएगा। बस इतना आसान। यहाँ मैंने फूड प्रोसेसर लगाया है, क्योंकि हम बनाएंगे आज गार्लिक और चिली से पेस्टो, और हम तुलसी के पत्ते यूज़ करके बेजल पेस्टो भी बनाएंगे। और तेल हम इसमें डालेंगे शाताज कुकिंग ऑयल, आप भी ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। और अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू यूज़ शाताज टुडे, ठीक है। अच्छा जी, बहुत ही आसान है। दो इकसाम के पेस्टो, पेस्टो नॉर्मली चिलगोज़ों से, पाइन नट से बनता है, लेकिन वो बहुत महंगे हैं, तो हम बना रहे हैं आज बादाम के साथ, और लहसुन और ये तुलसी और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं। सो सीखिएगा, बनाइएगा। एक हरा वाला पेस्टो है जो हम तुलसी के पत्तों से बनाएंगे, एक लाल वाला है चिली और गार्लिक का, और दो इकसाम के हम चिली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ मेरे पास है ये लाल वाले चिलीज़, फ्रेश रेड चिलीज़, फिर मेरे पास ये भिगोए हुए सूखे वाले छोटे लाल मिर्चें थीं जो मैंने हाइड्रेट कर दी थी, ठीक है, और कुटी हुई लाल मिर्चें भी थोड़ी सी जाएंगी। सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टुडे। अच्छा, जैसे पिज्ज़ा का डो बनाते हैं, वैसे ही इस चीज़ी रीथ का डो बना के मैंने रख दिया है, इसलिए कि अगर अभी मैं डो बनाती तो एक घंटा लग जाता राइज होने में, सर्दियों में और टाइम लगता है, तो मैंने यहाँ रख दिया है माइक्रो में। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, फरमाइए मैम। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और मेरा मुझे बेकिंग में इंटरेस्ट हो रहा है, तो काइंडली आप केक वगैरह बनाना सिखाएं। क्या बनाना सिखाऊं? केक। केक, ला तादाद किस्म के केक्स बनाए हैं मैंने इन 10 सालों में यहाँ, नॉट ओनली ऑन फूड डायरीज, दूसरे भी मेरे शोज पे हर रोज कुछ मीठा तो होता ही है। ओवन। तो ये क्या है, अभी बना रही हूँ ना। अच्छा, अभी केक बना रही हूँ। हाँ, नो बेक चॉकलेट केक है, हर चीज आप मिक्स कर दें। और जैसे अगर आपके पास अवन नहीं है तो सारी चीजें वैसे ही करें जैसे मैं बनाती हूँ, पतीली गर्म करें, उसमें पानी डालें, एक जाली रख दें और उसके ऊपर वो टिन रख दें, बस दैट्स इट। मेथड तो वही है ना, फिर आपने उसको एक आध घंटा बेक करना है चूल्हे पे, स्टीम करना है जब तक वो बिल्कुल सेट नहीं हो जाए, बन नहीं जाए, और स्कूअर डाल के चेक कर लीजिएगा। हाँ, कलर वैसा नहीं आएगा जैसे अवन में आता है, क्योंकि अवन में टेम्परेचर 180 200 डिग्रीज तक हम लेके जाते हैं, तो पतीली में वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सो वो केक उस तरह ब्राउन वगैरह नहीं होगा। कुछ और कहना है, कुछ पूछना है? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सो चॉकलेट क्रीम, चुटकी भर नमक, चुटकी भर गरम मसाला पाउडर, एक चमचा भर के कॉफ़ी का पाउडर, ये देखें, ये है। वैसे आपको लगेगा ये कैसे सेट होगा, लेकिन ये गनाश टाइप बनाया मैंने कॉफ़ी फ्लेवर का, इसको हम यहाँ सेट कर देंगे। इसमें आप बिस्किट्स चॉप करके डाल दीजिए, डार्क चॉकलेट कुकीज़, नट्स डाल दीजिए, फ्रूट डाल दीजिए, चेरीज़ डाल दीजिए, ऑरेंज का पील डाल दीजिए, कुछ भी आपको, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ अभी, और ये फ्लैट सा इस तरह का सेट हो जाएगा। कल इसको हम डेकोरेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका हमने क्या किया। ये तो बच्चे भी बना सकते हैं।
नो बेक भी है, इसमें मैदा भी नहीं है। किसी को अगर मैदे से एलर्जी हो तो उनके लिए भी सही है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने किस तरह उस डो को बनाया है। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक जी, फरमाइए। मुझे चॉकलेट कुकी सीखनी है। जी फरमाइए, पूछिए। आप किसी दिन चॉकलेट कुकी बताएंगे बनाना? चॉकलेट कुकी जी, चॉकलेट कुकीज, ठीक है, करेंगे आपके लिए। चॉकलेट कुकीज भी करेंगे। अगर आपको कोई रेसिपीज ढूंढनी है तो नेट पे सारी मेरी रेसिपीज हैं, देख लीजिएगा। चॉकलेट कुकी बाय जारनक सिद्वा लिख के आपको मिल जाएंगी रेसिपीज, ठीक है? ठीक है, थैंक। ओके जी, थैंक यू सो मच। चलिए ब्रेक की तरफ चलना है हमने। हमें बहुत ही आसान नो बेक चॉकलेट केक 2 मिनट में रेडी कर दिया है। अब ये 2 मिनट में रेडी नहीं हो जाएगा, खा नहीं सकेंगे। इसको आपको 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखना है या फिर ओवरनाइट बेस्ट है। फिर निकालेंगे कल, उल्टा इसको करेंगे एक प्लेटर पे, पील ऑफ कर देंगे, क्लिंग ऊपर, नट्स फ्रूट्स कुछ भी आप डाल के इसको डेकोरेट करिए और खाइए, ठीक है जी? तो विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक से आएंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने आटा कैसे गूंद के रखा था थोड़ी देर पहले। तो अच्छा है, ज़रा टाइम मिल जाएगा खमीर की चीज़ को, एटलीस्ट 1 घंटा विंटर में राइज होने का टाइम देते हैं, फिर शेप देते हैं, फिर दोबारा राइज करने के लिए टाइम देते हैं। उसको कहते हैं डबल प्रूफिंग। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। चलिए मैं डो एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं दोनों पेस्टो बना लूं। ये है तुलसी के पत्ते, 2 कप जितने लीजिएगा। इसको साफ करिएगा, धोइएगा, इसके बीच में छोटे फूल होते हैं, प्लीज साफ कर दीजिएगा, ऐसे नहीं डालिएगा। ओके, लहसुन जाएगा काफी सारा इसमें चॉप किया हुआ, नमक और काली मिर्चें, और ये है पार्मेजान चीज ग्रेट किया हुआ, ये जाएगा। इसको हम पहले पीस लेते हैं। अब आपने इसमें थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल डालना है और आपने इसको घुमाना है। बहुत पतला नहीं कर दीजिएगा, खोल के अंदर आप स्पैचुला से इसको ऊपर नीचे करिएगा। पेस्टो इस तरह का होना चाहिए। अब आप 1 चम्मच पेस्टो डालिए पास्ता के साथ, बॉईल किए हुए पास्ता के साथ खाइए, चिकन पे डालिए, इस तरह की ब्रेड्स में डालिए, कुछ भी आप बना सकते हैं। कुछ ना कुछ मुख्तलिफ रेसिपी सीखिए, बनाइए, ट्राई करिए और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसको निकालना है। सो आई विल टेक इट ऑल आउट इन दिस ओनली। इस तरह का होना चाहिए, ठीक है? आप इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं शाताज कुकिंग ऑयल चूंकि यूज़ कर रही हूँ ऑन द शो, तो आई एम एडिंग दैट टुडे। अब इसको मुझे, इसमें मुझे ये लाल वाला पेस्ट बनाना है, यानी कि द चिली और द गार्लिक वाला, चिली एंड गार्लिक वाला बनाना है। ये हम हरा वाला बना चुके हैं, लेकिन दोनों पेस्टो हैं, दोनों एक ही ब्रेड में जाएंगे, तो मैं इसको धोना नहीं चाह रही, इसी में बना लूँगी, नो प्रॉब्लम। पेट में तो एक ही जाना है ना, सो ये करेंगे हम आज जुगाड़। ओके, ये आपका पेस्टो रेडी। नाउ इसको रखिए। अब दूसरी चीज़ें मैं यहाँ से सारी लेके आती हूँ। ओके, जैसे मैंने कहा था मिर्चें थी, 3 इकसाम की मिर्चें हैं और मज़ीद लहसुन है। लहसुन तो मैंने सारा डाल दिया, अब क्या करेंगे, अब दूसरा लहसुन मंगाएं? दूसरा लहसुन चाहिए मुझे, लहसुन उनको कहें मुझे दे दे, है मेरे पास वहाँ। अच्छा, सो लाल वाली मिर्चें हैं ये, यानी कि फ्रेश वाली। फिर ये सूखी वाली लाल मिर्चें हैं, छोटी वाली, जिनको मैंने पानी में डाल दिया था। फिर ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ठीक है? ये लाल पूरा पेस्ट होगा, इसी वजह से मेरे पास यहाँ एक लाल शिमला मिर्च है।
आप इसको रोस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे पे डायरेक्ट रख लीजिएगा, रोस्ट कर लीजिएगा, छिलका उसका पूरा निकल आएगा, बिकॉज डायरेक्ट चूल्हे पे आपने इसको चार किया होगा, और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो चॉप करके इस्तेमाल करिएगा। बीज इसके पूरे के पूरे निकाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी हम नमक डालेंगे, इसमें भी हम काली मिर्चें डालेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और क्या क्या था जनाब? हाँ, बेजल और थाइम है ये। ये ड्राई हर्ब्स इसमें जाएंगे, बेजल और थाइम चला गया। ये सब कुछ आप बना के एक दिन पहले भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर बादाम जाएंगे, ब्लांच्ड आमंड्स यानी छिलका उतरा हुआ। ये हैं सनड्राइड टमेटोज, ये सनड्राइड टमेटोज जाएंगे। जब आप इसको काट के खाएंगे तो अंदर से आधी ब्रेड रेड और आधी ग्रीन होगी, ठीक है जी। सनड्राइड टमेटोज भी चले गए, बादाम भी चले गए, और क्या क्या था पूरा बताती हूँ। नमक, काली मिर्चें, पामिजान चीज़ में डालूंगी अभी, शहद जाएगा थोड़ा सा, ये देखें ये पामिजान चीज़ जा रहा है अंदर, लहसुन आ गया थैंक्स टू माई टीम, फटफट झटपट एवरीथिंग इज़ हियर। ये है शहद, ये और मज़ीद लहसुन है, ठीक है। सब कुछ आपको बताती हूँ क्या क्या है। लाल वाली मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है लाल वाली, सनड्राइड टमेटोज ऑल्सो रेड। फिर इसमें मैं सौंफ थोड़ा सा डालूंगी यानी फेनल सीड्स, थाइम है, बेजल है, पार्मिजान चीज़ है, नमक है, काली मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सब कुछ चला गया। अब आप इसमें डालेंगे शाताज कुकिंग ऑयल, लेकिन पहले मैं इसको पीस लूँ। अब ज़रा ऊपर नीचे इसको करते हैं, देखा लाल लाल, ये हमारा पेस्टो रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा इसको ऑयली नहीं करिएगा, इसको हमें भरना है डबल रोटी के अंदर, ठीक है, फिर वो बाहर सीप आउट हो जाएगा वरना। ओके, दूसरे अज्जा आप सोचेंगे क्या है, इस ब्रेड को हम एक डिप के साथ सर्व करेंगे, वो बट आसान है, बस वो मैं हम बनाएंगे आपके सामने। फिर इसमें और मज़ीद ये सनड्राइड टमेटोज जाएंगे, ठीक है, और हम चीज़ भी डालेंगे ग्रेट करके। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, सो व्हाट वी विल डू इज़ हम ये दोनों पेस्टो को निकाल के रेडी करके रखते हैं, जो मैंने आटा गूंदा है उसको बेल के यहाँ रखते हैं, और फिर इसको हम कैसे फोल्ड करेंगे सब कुछ मैं आपके सामने करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। देखें, आपने इस डो को राइज होने के लिए एक घंटा देना है। अब हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हमने इसको एक घंटा नहीं दिया है। नाउ देर आर दीज टू थिंग्स जो आपने इस पे लगानी है। एक चमचा पेस्टो मैंने हरा वाला यहाँ निकाल दिया है, डिप में हम डालेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको स्प्रेड करना है ताकि ये हर जगह हो। इस डो को राइज होने दीजिएगा एक घंटा, फिर आप इस पर यह लगाइएगा। बहुत मज़े का बनता है, ट्राई आपने करना है। कोई सा भी आप शेप इसका दे सकते हैं, रीथ का नहीं देना है तो ऐसे किसी भी शेप का दे सकते हैं। अभी हम बनाते हैं आपके सामने। इसमें बीच में हम पार्मिजान चीज़ डालेंगे, मोज़रेला चीज़ जाएगा ग्रेट किया हुआ, और सनड्राइड टमेटोज हैं। ठीक है, जब आप काट के खाएंगे ना तो समझ में आएगा कि हमने क्या बनाया है। हर चीज़ इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये तुलसी के बहुत फ़ायदे हैं, तुलसी के साथ कुछ ना कुछ बनाया करें, खाया करें, पिज्ज़ा पे डाल के खाया करें, इस तरह के ब्रेड्स में डाल दें। नाउ टाइम टू पुट इन अदर थिंग्स, जैसे कि ये है पार्मिजान चीज़। वैसे हमने दोनों पेस्टोज में भी पार्मिजान चीज़ डाला था, लेकिन इसमें भी ये चला गया। फिर हम डालेंगे इसमें ये सनराइज टमेटोज, ऑयल में आपको मिलते हैं मार्केट में बॉटल में, ठीक है। फिर ये है पार्मिजान चीज़। अब ज़्यादा भी मुझे भरना नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ओवर भर देंगे तो वो निकल आता है हर जगह से, इधर उधर से। सो दिस इज़ ऑल डन, ख़त्म कहानी, ये हटा लेते हैं।
पूरा डो एक्सप्लेन करूंगी, मुझे बस अवन में इसको डालना है, ठीक है? समझ आ गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको लॉन्ग एंड से यहाँ से ना फोल्ड करना शुरू करना है। डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसे ही रेसिपी फॉलो करिए जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है। और मैंने इसके नीचे सिलिकॉन का मैट रख लिया था ताकि इसको इस तरह मदद मिल जाए रोल करने में। समझ आ गई? ओके, अब आपने इसको रीथ के शेप में, रिंग के शेप में करना है। सो आप क्या करेंगे, बेशक इसी पे कर लीजिए, इसको उठाइए आराम से। आई होप उठ जाए। हल्के हाथ से इसको उठाइए, इसके बीच में एक रैमेकिन रखिए इस तरह, इसके एंड्स जोड़ दीजिए। तो ये रिंग बन गया ना, है ना? उफ, यहाँ से कहाँ से फट गया ये। अब आपने इसके कट्स लगाने हैं, इसके नीचे भी मैं अगर दूसरा ये रख दूँ तो आराम से हम इसको उठा सकेंगे फिर। अब इसको आपने राइज होने के लिए रखना है। चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही एक अंडा लूँगी, ठीक है? और हम अंडे को ब्रश करेंगे ऊपर। और इसको ब्रेड को हम पूरा बेक करेंगे। हो सके तो सिर्फ जर्दी लगाइएगा, उफ्स ये खुल ना जाए। फिर आप इसके पीसेस काटिएगा, जो डिप मैंने बनाया है उसको हम बीच में लगाएंगे और अवन में रख देंगे। लेकिन इसको आपने एक दफ़ा और राइज होने के लिए रखना है, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है? अब हमारे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव रिजन दिस। अब आराम से मैं सुकून से आपको बैठ के यहाँ बताऊँगी कि क्या डो का प्रोसीजर था। ओके, मैंने इस रीत को खोला नहीं है, आप इसको खोल भी सकते हैं। नाउ अब आप अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने 125 मिलीलीटर दूध गर्म किया था, उसमें मैंने एक टीस्पून भर के खमीर यानी ड्राई ईस्ट पाउडर डाला था, दो चमचे भर के मैंने पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, ढाई कप टू एंड हाफ कप्स मैंने इसमें मैदा डाला था, दो अदद अंडे गए थे, ठीक है? तीसरा नहीं गया था, तीसरा ये है, दो अदद अंडे गए थे। फिर 125 ग्राम मैंने इसमें पीका अनसॉल्टेड मक्खन डाला था। और इन सब चीज़ों को आप गूंद के, मैंने फूड प्रोसेसर में 3 से 5 मिनट उस फूड प्रोसेसर को चलाया था मुसलसल कंटिन्यूस, और उसको गूंद के आप, सॉफ्ट डो होगा, परेशान नहीं होइएगा, वो आप रख दीजिएगा ढाँक के एक ऑयल लगाए हुए बोल में, शाताज कुकिंग ऑयल के साथ पहले ग्रीस करिएगा बोल को, उस डो को उसमें रख लीजिएगा, डो नरम होगा, ठीक है? और उसमें मैदा वैदा एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालिएगा। फिर इसको आप 1 घंटा छोड़ दीजिएगा गर्म जगह में राइज होने के लिए। हमने अवन को प्रीहीट किया था, उसके ऊपर माइक्रो पे हमने रख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, आप इसको बेलेंगे, बेलिएगा इस तरह के रेक्टेंगल के शेप में हो। फिर आप एक तरफ इसको लगाएंगे बेजल वाला पेस्टो जो मैंने बनाया था, फिर लाल मिर्चों वाला पेस्टो लगाएंगे, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे, इसके ऊपर आप सनड्राइड टमेटोज रखेंगे, इसके ऊपर आप पार्मेजान चीज़ डालेंगे, और फिर आपने इसको रोल करना है। रोल करके फिर आपने इसको इस तरह रखना है। आप इसके स्लाइसेस में काट के भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है मैंने इसको पहले बेक करने रख दिया है। ओके, नाउ सनड्राइड टमेटोज के साथ हमने किस तरह बनाया था, देखें, लाल वाली शिमला मिर्च ली थी, लाल वाली कुटी हुई लाल मिर्चें ली थी, छोटी वाली लाल सूखी वाली मिर्चें ली थी, गर्म पानी में भिगो के उसको नरम कर दिया था, और फ्रेश रेड चिलीज 2-3 मैंने ली हैं। उसके साथ साथ मैंने सौंफ डाला था, नमक काली मिर्चें, शहद, थाइम और बेजल था, पार्मेजान चीज़ था, नमक काली मिर्चें थी। सब कुछ आप पीस लीजिए फूड प्रोसेसर में, शाताज कुकिंग ऑयल थोड़ा थोड़ा डालिए और उसको पूरा एक पेस्टो का जो शक्ल आती है उस तरह बना लीजिए। हरा वाला पेस्टो मैंने कैसे बनाया था, उसके लिए मैंने 2 कप तुलसी लिए थे, फ्रेश बेजल लीव्स, पार्मेजान चीज़ डाला था, लहसुन था,
नमक, काली मिर्चें थी, और आप इसी तरह ये शाताज कुकिंग ऑयल डाल के इसको घुमा दीजिएगा, पिस जाएगा, तो आप एक चम्मच अलग कर दीजिएगा, दूसरा आप उसके अंदर डाल दीजिएगा। मैंने काफ़ी इसको भरा है, याद रखिएगा, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसको राइज नहीं किया है। भर के शेप दे के फिर आप दोबारा इसको एक घंटा राइज होने के लिए गर्म जगह में छोड़ दीजिएगा, फिर आप इसको बेक करिएगा अंडा लगा के। ठीक है, समझ आ गई। अब मैं बताती चलूँ कि मैंने, हाँ ब्रेक है, चले मैं अब मैं भी ब्रेक लेती हूँ। अब हम डिप बनाएंगे, इसके लिए मेरे पास यहाँ क्रीम है और उसमें हम लेमन जूस डाल के इसको सा क्रीम कर देंगे। ठीक है, फिर इसमें एक चम्मच मैंने जो पेस्टो बचाया हुआ था हरा वाला वो चला जाएगा, और मेयोनीज। बस ये बना के आप इसको रेडी करके रख लीजिएगा एक छोटे से रैमेकिन में या छोटे से बोल में, और ये ब्रेड के साथ आप सर्व करिएगा। आई वॉन्ट टू कट द ब्रेड, दैट इज़ वाई मैंने बहुत जल्दी जल्दी करके उसको अंदर रख दिया है अवन में, ताकि आप लोग देख सकें। मेयोनीज़, क्रीम, लेमन जूस और पेस्टो एक चम्मच जो बचाया था वो। पेस्टो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत सारी चीज़ों में आप उसको डाल सकते हैं, सिर्फ ब्रेड के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं, और गार्लिक टोस्ट पे लगा के खा सकते हैं, फिश पे लगा सकते हैं। ज़्यादातर पेस्टो काम आता है इन पास्ता रेसिपीज़। ठीक है जी, सो दिस इज़ डन। टोमेटो के वेजेज़ हैं और तुलसी के पत्ते थोड़े से बचा के रखे हैं, वो डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। अब मैं एक बार फिर आपको बताती चलूँ मैंने क्या किया था। देखिए, नो बेक चॉकलेट केक के लिए मैंने 8 ounces चॉकलेट लिया था, 8 ounces क्रीम लिया था, चुटकी भर नमक लिया था, चुटकी भर गर्म मसाला पाउडर लिया था, और मैंने एक चमचा भर के कॉफ़ी पाउडर लिया था। हर चीज़ को झटपट आप चूल्हे पे सॉस पैन में पका के रेडी करके रख लीजिएगा। किसी भी टिन में, डिश में, किसी भी शेप में आप इसको निकालना हो वो आप, मैंने क्या किया था, लोफ टिन के अंदर मैंने लगा दिया था शाताज कुकिंग ऑयल, और क्लिंग रैप वहाँ अंदर रखती थी। ठीक है, तो फिर उसको जब हम ओवरटर्न करेंगे तो आसानी से वो क्लिंग रैप को हम निकालेंगे, और फ्रीज़र में मैंने इसको रख लिया है। कल मैं आपको दिखाऊंगी, इसको ऊपर हम कोको पाउडर छिड़केंगे। सुनाओ, बेजल पेस्टो, ये हरा वाला पेस्टो मैंने किस तरह बनाया था। मैंने 2 cup फ्रेश बेजल लीव्स यानी तुलसी के पत्ते लिए, अच्छी तरह धोइएगा उसको, डंडियाँ अलग कर दीजिएगा, फूल छोटे छोटे होते हैं वो फेंक दीजिएगा। ठीक है, 2-3 लहसुन के जवे डालिएगा, आप इसमें 1/2 cup जितना पामिजान चीज़ लीजिएगा, ग्रेट करके वो डाल दीजिएगा, और उसके अलावा मैंने शाताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, 1/4 cup जितना नमक और काली मिर्चें, दैट्स इट। घुमा दीजिएगा पूरा पहले, फिर तेल डालिएगा थोड़ा थोड़ा, और देखिएगा बहुत पतला नहीं हो जाए, बिकॉज किसी भी चीज़ के ऊपर लगाने के लिए बहुत ही रनी और ऑयली नहीं चाहिए हमें। ठीक है, वो एक तरफ एक बोल में निकाल के रख लीजिएगा। फिर उसी फूड प्रोसेसर में आपने लहसुन लिया, कुटी हुई लाल मिर्चें ली, साबुत लाल मिर्चें ली, सूखी वाली लाल मिर्चें ली, उसको पानी में भिगो के हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा सौंफ लिया हमने इसमें, बेजल और थाइम डाला, नमक, काली मिर्चें, थोड़ा सा शहद डाला, और मैंने इसमें 4 से 6 छिलका उतरे हुए बादाम इस्तेमाल किए थे। आप बादाम की जगह चिलगोजे भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगे हैं। और उसके बाद पामिजान चीज़ डाल के, शाताज कुकिंग ऑयल डाल के आपने उसको भी घुमा दिया, तो वो रेड वाला पेस्ट हो गया, वो बहुत सारा है, वो उसको मैंने अलग रख दिया है, किसी भी चीज़ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। सो ये दोनों पेस्टोज हो गए। अब एक बार फिर मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने किस तरह बनाया था इस डो को। 2.5 cup मैदा लिया, उसमें 2 चमचे पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली मैंने, और मैंने 2 अदद अंडे डाले, 1 teaspoon भर के मैंने खमीर डाला है, 125 milliliters नाप के लीजिएगा, दूध को गर्म करके इस्तेमाल करिएगा, 125 ग्राम मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, वो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच आप डालते जाइए और इसको घुमा दीजिए। इसमें मैंने गर्म पानी वानी कुछ नहीं डाला था, दूध काफ़ी था और ये मक्खन काफ़ी था इस डो को जमाने के लिए, फॉर्म करने के लिए। तो इस ये बना लिया आपने, और इसको आपने 1 से 2 घंटे राइज होने के लिए अवन में के ऊपर यहाँ माइक्रो में रख लिया। उसके बाद आप उसको निकालिए, उसको बेलिए, उसके ऊपर आप ये हरा वाला लगा दीजिए पेस्ट, लाल वाला लगा दीजिए पेस्ट, चीज़ डाल दीजिए, ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़, पार्मेसान चीज़, सनड्राइड टोमेटोज रख दीजिए, और इसको फोल्ड कर दीजिए स्विस रोल की तरह। ठीक है, फिर उसको ऐसे करके जोड़ दीजिए और बीच में एक रैमेकिन रख दीजिए, ताकि वो इसी तरह रिंग के शेप में बेक हो जाए। वहाँ वो बेक हो रहा है, और उसके ऊपर मैंने अंडा लगा दिया था ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अब याद रखिएगा प्लीज़, डो को शेप देके आप इसको राइज होने के लिए 1 घंटा और छोड़ दीजिएगा। डबल प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है, कोई भी खमीर की चीज़ बनाते हैं उसमें। ठीक है, डन, सारा समझा दिया है मैंने, आई होप समझ आ जाए आपको, और आप बनाएंगे इसको ज़रूर। आज हमने शाताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। शाताज सेहत भरी खुशियों का राज, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाताज ज़रा सा और जायके और सेहत से भरपूर, शाताज कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति,
प्यार से खाना खिलाने का सिलसिला यूं ही चलता रहना चाहिए। तो आप भी घर लाइएगा और ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, और मैं भी यूज़ कर रही हूँ अपने शो पे, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइए इन रेसिपीज़ का। सो लेट दिस बी बेक्ड, आप देख सकते हैं इफ़ द कैमरा कैन कैच इट, ये बेक हो रहा है, राइज़ हो रहा है, काफ़ी सारा राइज़ हो चुका है। अब जल्दी जल्दी जब हमें करनी होती है ना चीज़ें, तो ये सारा कुछ हो है। एक्चुअली क्या करना था ये मैं आपको बताऊँ, जब आपने इसको ऐसे करके रोल कर दिया, ठीक है, फिर आपने उसको कट्स लगाने हैं। आप जब करें वो करिएगा, यहाँ टाइम नहीं था, कट्स लगा दीजिएगा, कट्स लगाइएगा, फिर आप उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे सनफ्लावर ब्रेड कैसे मैंने एक दफ़ा बनाया था अगर आपको याद हो तो अंदर से वो आपको फिलिंग भी नज़र आएगी, तो बहुत ही कलरफुल सा लगेगा। आई विल ट्राई टू कट इट एंड सर्व यू, दिखाऊँ आपको मैं, ताकि आपको समझ आए मैंने क्या बनाया था। उसी रैमेकिन को उल्टा कर दीजिएगा और उसके अंदर ये डिप भर दीजिएगा। तो अगर आप चाहें तो पेस्टो ग्रीन वाला यूज़ कर लीजिएगा या लाल वाला यूज़ कर लीजिएगा। मैंने एक चमचा ग्रीन का बचा लिया था ताकि डिप में हम इस्तेमाल कर सकें। सो कुछ भी फिलिंग हो, कीमे की फिलिंग हो, कोई भी घर का खाना बच गया हो, कोई निहारी बच गई हो, उसको आप श्रेड कर दीजिए, उसका ग्रेवी हटा दीजिए। कोई भी गोश्त हो, हंटर बीफ हो आपके पास, रोस्ट लेग हो, कुछ भी आप अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो सिखाया है वही बनाएं। मैंने ये सिखाया है, कलरफुल सी रीथ बनेगी आपके टेबल के लिए। सो मेक इट, ट्राई इट एट होम, और केक भी ट्राई करिएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी रेसिपीज बार बार एक ही चीज़ की फरमाइश करते हैं, तो प्लीज़ जाके आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे या हमारे पेजेस पे, मसाला के पेजेस पे। फॉर एग्जांपल, नो बेक चॉकलेट केक बाय ज़ारनक सिद्धवा, आप नाम लिख लिए हमारे शेफ्स का, रेसिपी का नाम लिखिए, आपको मिल जाएंगी रेसिपीज़, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं नई नई रेसिपीज़ बनाऊँ, आपको नई चीज़ें सिखाऊँ, बनिस्बत में पुरानी चीज़ें रिपीट करती रहूँ। सो ऐसे करते हैं, हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। आज की दोनों रेसिपीज़ जो हमने बनाई हैं, चीज़ी रीथ और नो बेक चॉकलेट केक, उसकी रेसिपीज़ आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, और अपनी भी फूड डायरीज आप बनाइए। तो मैं लेती हूँ एक और ब्रेक। ये चीज़ें बेक हो रही हैं, वो ठंडा हो रहा है, उसको तो हम कल दिखाएंगे, ठीक है, निकाल के। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। कुछ पूछना हो, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कुकिंग या बेकिंग के हवाले से मुझसे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। देखें, ये विदाउट डेकोरेशन है, ये मैंने निकाल के यहाँ रखा हुआ है फॉर यू गाइज टू सी, लेकिन इट्स सो सो हॉट, उफ बाप रे। ये आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने इतना इसको जल्दी जल्दी किया है। और इसके बीच में हम ये रख देते हैं, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। इसके साथ हम कुछ टोमेटोज रख देते हैं गार्निश के लिए, समथिंग और द अदर, इधर उधर तुलसी के पत्ते रख देते हैं। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, इट्स अ वेरी यमी रेसिपी। लेकिन थोड़ा सा आप ऑब्वियसली, आप लोग जब बनाएंगे तो टाइम आपको, आपके पास है ना, मेरे पास तो यहाँ फ्रॉम स्क्रैच मुझे एक घंटे में हर चीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है, सो देयर इज़ लेस टाइम, दैट्स द प्रॉब्लम। ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, नज़र आ रहा है। सो देयर इज़ अ लवली डिप, और ये ब्रेड को आप खाइए। जब आप इसको निकालेंगे तो इसमें से चीज़ है, इसमें तुलसी का बहुत मज़े का टेस्ट है, बेजल पेस्टो का, चिली एंड गार्लिक पेस्टो है, वो बहुत टेस्टी है। और इसी तरह बनाइएगा, खाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कैसे बना। ये भी सेट हो गया था, इतनी सर्दी है कि मैंने फ्रिज में रखा था, ये सेट तो हो गया है, लेकिन इसके ऊपर आप कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ डाल सकते हैं, चेरीज़ या ऑरेंज पील या नट्स या कुछ भी फ्रूट या कुछ भी। सो दैट्स दैट। आई होप आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। मेरी और आपकी मुलाकात कल होगी दोपहर में 3:30 से 4:30 लाइव, और रात में 12 बजे शो रिपीट होता है, और सुबह में दूसरे दिन 9:30 बजे। पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे में आपके साथ लाइव हूँ 3:30 बजे, तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़ का शो। तो चलिए, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।